उड़ीसा में एक तालाब है जिसे मौत का तालाब भी कहते हैं, पर मैं इन सब बातों में नहीं मानता था। मैं इस इलाके का आईएएस ऑफिसर सिद्धार्थ हूं और ये तालाब मेरे कैडर में आता है। मुझे शक था कि इस तालाब की आड़ में कुछ गैर कानूनी हरकतें होती होंगी, इसलिए मैं उस रात बिना किसी को बताए एक बोट लेकर वहां आ गया और इस बोट से तालाब के बीचों बीच पहुंच गया। काफी देर तक देखता रहा पर कहीं कुछ नहीं दिखा, बस काफी कोहरा था। तभी अचानक कुछ अजीब सी हंसी गूंजने लगी। मैंने इधर उधर देखा पर कुछ नहीं दिखाई दिया। तभी पानी में हर जगह बुलबुले दिखने लगे और अचानक बुलबुलों की तादाद बढ़ती ही चली गई। अगले ही पल मेरे हर तरफ अजीब लोग पानी से निकलने लगे, मानो जैसे न जाने कितने साल पहले मरे हो और उनकी लाश इस पानी में सड़ रही हो। मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था, मैं बोट लेकर भागने की कोशिश करने लगा पर अचानक वो सारे मेरी बोट पर आने लगे और मेरी बोट पानी में खींचती जाने लगी। मैं बोट से कूदा और जान बचाने के लिए तैरने लगा। मुझे लगा मानो पानी से कोई मेरे पैर पर खींच रहा हो, पर मैं तैरता रहा। आखिर सामने एक बूढ़ा आदमी दिखा। साहब जी, कहकर उसने मुझे हाथ दिया और मुझे बाहर निकाला। इतनी रात को इस तालाब में ना आए, ऐसा उसने कहा और मैंने सर हिला दिया। आज भी जब उस तालाब से गुजरता हूं तो उन रूहों के होने का आभास होता है, बस किसी से कुछ कहता नहीं।